हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का अंजलि रसोई दिल से में स्वागत है। आज ना सांभर खाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन टाइम बहुत कम था, तो सोचा चलिए क्विक सांभर बनाते हैं और आपसे भी शेयर करते हैं। ये मैंने लिया हुआ है दूधी, लौकी, गाजर, टमाटर, एक बिग साइज की ऑनियन जिसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, ग्रीन चिली, जिंजर, आप अपने अकॉर्डिंग और भी कोई वेजीज यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा। ये मैंने ली हुई है दाल, अरहर की दाल है ये। ये देखिए, मैंने अरहर की दाल को लिया हुआ है। उसके बाद मैंने इसके साथ साथ कुछ स्पाइसेस लिए हैं जिससे हम सांभर को क्विक बघार लगाएंगे। रेड चिली, मेथी दाना, उसके साथ मैंने ली हुई है खड़ी उड़द, ये देखिए उड़द की दाल है ये धुली हुई, हींग, चने की दाल, जीरा। इसके बाद मैंने क्या किया है, जो अरहर की दाल मैंने ली थी उसे पानी के से दो तीन बार वॉश करके उसको फूलने के लिए आधे घंटे के लिए सोख करके रख दिया है। मैंने कुकर लिया है, कुकर में मैं ऑयल डालूंगी क्योंकि मैं क्विक सांभर बना रही हूँ तो ये काफ़ी जल्दी बनता है, इसलिए मैं सब कुछ अभी ही बघार में डाल दूँगी। अभी मैंने फिर मैंने डाला है चने की दाल, उड़द की दाल, मेथी दाना, हींग, लाल मिर्च, जीरा, और बाकी की कड़ी लीव्स, ये जो भी मैंने चीज़ें ली हुई थी, जो मसाले आपको दिखाई सारी चीज़ें डाल दी हैं। एंड में डाला है सरसों, राई, ये छोटी वाली सरसों यूज़ की है। जैसे हमारा जीरा चटकने लगा उसके बाद मैंने डाला इसमें अदरक, हरी मिर्च, उसे अच्छी तरह से हिला दिया है जिससे कि मिल जाए, अच्छी तरह से चटक जाए। जैसे अच्छे से हो गए हैं हम इसे अच्छी तरह से चला देंगे एक बार और इसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, क्योंकि प्याज को पहले पका लेना चाहिए, अदरवाइज उसका कच्चापन सब्जी ग्रेवी या फिर जो हम सांभर बना रहे हैं कुछ भी बनाते हैं, इसलिए पहले प्याज को आप पका लें, सबसे पहले इसलिए प्याज ही डाली जाती है। प्याज को अच्छी तरह से चला के हमने पका लिया है। ये देखिए हमारी प्याज पक चुकी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लौकी, आप इसकी जगह कद्दू का भी यूज़ कर सकते हैं, गाजर, कई लोग बैंगन भी डालते हैं बट मुझे बैंगन का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता इसमें, टमाटर, और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, इनको एक से दो मिनट के लिए हल्का सा पका लेंगे जिससे कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे साल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और अच्छी तरह से चलाएंगे। देखिए अच्छी तरह से चलाया है मैंने, इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले और दाल। ये देखिए हमने डाल दी है दाल, आधे घंटे तक सोख करके रखी हुई थी जो हमने अरहर की दाल, उसको अच्छी तरह से मिला देंगे। इसके बाद डाला है हल्दी, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धना पाउडर, और अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसके बाद एक मिनट के लिए और पकाएंगे और फिर इसमें हम पानी डालेंगे। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है, मैंने लगभग दो गिलास करीब पानी डाला है क्योंकि अभी सब्जी और दाल गलेंगी तो ये गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा चलाएंगे और एंड में हम इसमें डालेंगे सांभर मसाला। ये देखिए मैंने दो बड़ी चम्मच भर के सांभर मसाला लिया हुआ है, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे बिकॉज हम ये क्विक सांभर बना रहे हैं, अदरवाइज अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से सांभर बनाएंगे तो उसकी प्रोसेस अलग है, मैं वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने कुकर की लीड लगा दी है और कुकर में विसल आने स्टार्ट हो गई हैं, कम से कम 5 to 6 विसल तक मैं इसे पकाऊँगी। ये देखिए विसल आनी स्टार्ट हो गई हैं, 5 से 6 सीटी आ गई हैं, और गैस की फ्लेम मैंने स्लो पे ही रखा हुआ था जिससे कि सब्जी और दाल अच्छी तरह से एक साथ गल जाएं। जैसे हमारा कुकर ठंडा हो चुका है 5 से 6 सीटी लेने के बाद हमने कुकर को खोल दिया है। ये देखिए
इसके बाद मैंने मथानी से इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से, दाल और सब्ज़ी अच्छी तरह से जिसमें मिल जाएं, गल जाएं। ये देखिए मैंने मथानी का यूज़ किया है और अच्छी तरह से इसको बना दिया, और गैस की फ्लेम को ऑन रखा है मीडियम पे, और इसके बाद आधा गिलास और पानी डाला है क्योंकि मुझे सांभर थोड़ा गाढ़ा लग रहा था। इसके बाद मैंने इमली का पानी डाला है 2 बड़े चम्मच करीब, और अच्छी तरह से मिला दिया है। ये देखिए सांभर में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। मैं कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना है, आप चाहें तो इसमें एक तड़का और दे सकते हैं। हमारा सांभर बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। आप सांभर इडली डोसा जिसके साथ भी खाना चाहें तो खाएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।